इंतजार खत्म हो चुका है और जल्द ही वीकेंड का वार दिखाई देने वाला है। इससे पहले बिग बॉस ने राजनीति करते हुए एक बड़ा दाव खेला और अब्दू और शिव के बीच एक टास्क करवा दिया और घर वालों को कहा कि आप इन दोनों में से किसे चूज करेंगे। एक बड़ी राजनीति घर में देखने को मिली है। हालांकि घर के लोग दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन यहां पर उन्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। वहीं अगर बात की जाए प्रियंका चहर चौधरी की, तो प्रियंका चहर चौधरी इस घर की अब नई बॉस लेडी बन गई हैं। जी हाँ, वीकेंड के बारे में आप देखेंगे सलमान खान प्रेस करते हुए नजर आएंगे प्रियंका चहर चौधरी की और कहेंगे कि वो घर में वाकई काफ़ी बेहतरीन खेल रही हैं। हालांकि प्रियंका के नए नए दुश्मन बनते जा रहे हैं, लोग उनके खिलाफ होते जा रहे हैं और ख़ासकर प्रियंकित की जोड़ी के खिलाफ कई लोग हो चुके हैं, जो साफ नजर आ रहा है फुटेज में। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि दरअसल जिस तरह से प्रियंका और अंकित जिस तरह से समझदारी से खेल रहे हैं, ये देखकर ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों फाइनलिस्ट तो हैं ही। और खासकर अगर बात की जाए प्रियंका चहर चौधरी की, तो प्रियंका फाइनल में जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में घर के ऐसे सदस्य जो खुद को ट्रॉफी का दावेदार मानते हैं या ये सोचते हैं कि वो ट्रॉफी जीत कर ही जाएंगे, उनके लिए जाहिर है प्रियंका एक टेढ़ी खीर नजर आ रही हैं और उनके लिए प्रियंका को नॉमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और ऐसे में आप देखेंगे कि प्रियंका के नए नए दुश्मन बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रियंका जिस तरह की हाजिर जवाबी कर रही है, जिस तरह से प्रियंका ने गौतम विज को जवाब दिया, जब प्रियंका को गौतम ने कहा कि मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, तू इज्जत चाहती है तो अंदर चली जा, उस वक्त प्रियंका कहती है कि मैं नहीं जा रही और बड़े ही सभ्य तरीके से कहती है। और यहाँ पर गौतम विज की बेइज्जती होती हुई नजर आती है। लेकिन इसी चीज से सभी घरवाले भांप लेते हैं कि प्रियंका इतनी इजी नहीं है जितना वो उन्हें समझ रहे थे। वो शाउटिंग नहीं करती हैं, लेकिन प्रियंका वाकई बहुत ही मंझी हुई खिलाड़ी हैं बिग बॉस की। या आने वाले समय पर लोगों को पता चल जाएगा। और वीकेंड के बारे में आप देखेंगे सलमान खान प्रियंका चहर चौधरी को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे।